हमीरपुर में अब महिलाओं को अलग पुलिस थाने में न्याय मिलेगा, क्योंकि पुलिस लाइन हमीरपुर में महिला पुलिस थाने ने काम करना शुरू कर दिया है। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश में 3 नए महिला थाना हमीरपुर, सोलन व चंबा में खोलने की घोषणा की थी, जिसके लिए सरकार की स्वीकृति मिलते ही महिला पुलिस थाना हमीरपुर ने काम करना शुरू कर दिया है। महिला थाना में पहली महिला पुलिस अधिकारी के तौर कार्यरत रीता शर्मा ने बताया कि आज से पुलिस लाइन हमीरपुर में महिला पुलिस थाना में काम करना शुरू कर दिया है। उन्होंने बताया कि महिला पुलिस थाना में महिलाओं से संबंधित सभी तरह के केसों की शिकायत से लेकर निपटारा किया जाएगा। गौरतलब है कि महिलाओं के लिए अलग से पुलिस लाइन में जिला का पहला महिला पुलिस थाना खुल जाने से अब महिलाएं भी बेझिझक होकर अपनी शिकायत थाना में दर्ज करवा पाएंगी। वहीं महिला पुलिस थाना में सारा स्टाफ भी महिलाओं का होने से महिलाओं के लिए सुविधा मिलेगी। जी, आज पुलिस स्टेशन में कार्यकारी रूप में शुरू कर दिया गया है डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर का पुलिस स्टेशन। इसमें मेन जो हमारा मोटिव है वो क्राइम जो अगेंस्ट विमेंस हैं, चाहे वो रेप केसेस हैं, पॉक्सो के हैं, मॉलेस्टेशन के हैं, डोमेस्टिक वायलेंस है, किडनैपिंग है, अबडक्शन है, वो सारे केसेस को हम डील करेंगे। उनकी इन्वेस्टिगेशन यहीं से की जाएगी और यहीं पर रजिस्ट्रेशन होगी विद इन डिस्ट्रिक्ट। और मेन मोटिव हमारा रहता है जैसे छोटे छोटे ऑफेंसेज हैं, घरेलू हिंसा है या फिर छेड़छाड़ के केसेस हैं, और उसमें डोमेस्टिक के केसेस में हम काउंसलिंग करते हैं, दोनों पार्टीज को बुला करके काउंसलिंग करते हैं। अगर नहीं बात बनती है तो इंस्टेंट रिलीफ के लिए केसेस जो है डोमेस्टिक वायलेंस के तहत CDPO को भेजे जाते हैं। तो मेन यही है, वुमेन्स रिलेटेड जितने भी केस हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन को करना जल्दी, टाइम बाउंड जो केसेस हैं जैसे 60 डेज के अंदर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करनी है या 90 डेज के अंदर करनी है, तो उसको विद इन द टाइम कंप्लीट कर करके कोर्ट भेजा जाए ताकि जल्दी से जल्दी ट्रायल होके जो एक्यूज हैं उनको पनिशमेंट मिल सके, और जो विक्टिम है उनकी भी, जैसे विक्टिम आते हैं तो पुलिस स्टेशन जो और हैं उनमें नहीं अपनी बात रख पाती हैं या नहीं बोल पाती हैं, तो ज़रूरी है कि, और लॉ में गाइडलाइंस भी हैं कि फीमेल जो है ऑफिसर्स होनी चाहिए जो उनसे बातचीत करें, उनकी स्टेटमेंट लिखें ताकि विक्टिम अपनी बात अच्छे से विमेन पुलिस ऑफिसर के पास रख सके बिना किसी हेजिटेशन के। तो वही हमारी कोशिश रहेगी कि विक्टिम को जल्दी रिलीफ दिलवाया जाए और कोशिश किया जाए कि उनके साथ जो ऑफेंस हो रहा है उसके लिए उनको अवेयर किया जाए कि क्या क्या ऑफेंसेज आपके साथ हो सकते हैं, जैसे बच्चे हैं गुड टच बैड टच, उसके बारे में भी उनको मोटिवेट किया जाएगा स्कूलों में जाकर के या कहीं ऐसे बच्चों को किया जाएगा। पर मेन चीज़ हमारा यही है कि जितनी भी विक्टिम हैं उनको भावात्मक तौर पे या संवेदनशीलता के साथ उनसे बातचीत कर करके जो भी ऑफेंस हुआ है उसको रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन की जाए। सबसे पहले वुमेन सेल बनाया गया था जो कि पुलिस द्वारा हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक वुमेन सेल की स्थापना की गई है, उसमें भी हमारे पास केसेस रहते थे उस टाइम भी, तो उसमें भी रेप केसेस हैं, पॉक्सो के हैं और मॉलेस्टेशन के हैं, डोमेस्टिक वायलेंस के भी हमारे पास केसेस हैं, तो वो करीब 8 से 10 केसेस इस टाइम भी हमारे पास इन्वेस्टिगेशन अंडर इन्वेस्टिगेशन हैं। क्योंकि जितनी भी महिलाएं हैं अगर किसी के साथ कोई ऑफेंस हो रहा है, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस है या फिर कोई क्रिमिनल ऑफेंस है किसी के द्वारा, तो आप प्लीज चुप ना बैठे, आपके लिए ही ये वुमेन पुलिस स्टेशन खोला गया है ताकि आपकी बात सुनी जाए और आपको रिलीफ दिया जाए। बट मैं ये साथ में यही भी कहना चाहूँगी कि कभी भी अपनी ईगो सेटल करने के लिए ना आए, जेन्युइन आपकी प्रॉब्लम है आप आइए और अपनी कोई भी प्रॉब्लम है हमें बताइए। हमारी कोशिश रहेगी कि अगर डोमेस्टिक के केसेस हैं उनमें लड़कियों को काउंसलिंग करके या दूसरी पार्टी को समझा करके या जो भी बनता है लॉ में उसके अनुसार कार्रवाई की जाए, और जो भी क्रिमिनल केसेस हैं उनकी रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हमारे द्वारा की जाएगी। तो सभी को यही मैसेज है कि कोई भी ऑफेंस सहन ना करें।